आज हम करेंगे साइंस, वो भी क्लास 9th का असेसमेंट वर्कशीट 4, और इसे हमें सबमिट करना है 2 सितंबर से पहले पहले। तो चलो फिर हम वर्कशीट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्ट इन वाटर, सी वाटर, हनी इन वाटर, शुगर सिरप। तो इसका आंसर है हमारा सॉल्ट इन वाटर। फर्स्ट है हमारा आंसर सॉल्ट इन वाटर। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है हमारा कॉपर। ठीक है, हमारा इसका भी फर्स्ट ही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, आफ्टर एनालाइजिंग द गिवन ग्राफ अ स्टूडेंट कंक्लूड। हमारे पास ये ग्राफ है, पहले ग्राफ को देख लो आप लोग, फिर इसमें बतानी है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन है, सॉल्युबिलिटी डज नॉट इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर थर्ड ऑप्शन है, सेचुरेशन लेवल ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है, एट 90 डिग्री सेल्सियस द डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मैक्सिमम। तो ये हमारा ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा ओनली वन। ओके, ठीक है, चलते हैं फिर हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइड सॉल्यूशन। ब्लड, मिल्क, जेरी, एस्ट्रेटेड ड्रिंक। तो इसका हमारा आंसर है एस्ट्रेटेड ड्रिंक, ये हमारा कोलाइड सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ओके, उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर इज स्टेबल। सैंड इन वाटर, सॉइल इन वाटर, मिल्क इन वाटर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारा सी, मिल्क इन वाटर इज अ मिक्सर इज स्टेबल। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेम टू कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम दीज कंपोनेंट इन क्लाउड्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, उसके बाद हम चलो लिख लिया होगा ये तो। उसके बाद हमारा दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम, ये हमारा सेकंड पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद चलो ये तो लिख लिया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमें दो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की बतानी है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हमारी मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ओके, उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हाई डेंसिटी, ये हमारी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू मिक्सर एंड कंपाउंड, इनमें से हमें बताने कौन से मिक्सर है और कौन से कंपाउंड है। ओके, वाटर क्या है हमारा, कंपाउंड है। स्टील, स्टील क्या है हमारा, वाटर क्या है हमारा, वाटर है हमारे पास, सॉरी कंपाउंड। फिर स्टील क्या है हमारे पास, ये भी कंपाउंड है। सॉफ्ट ड्रिंक ये क्या है हमारे पास, मिक्सर है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है हमारे पास, मिक्सर है। एयर, एयर क्या है हमारे पास, मिक्सर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है हमारे पास, मिक्सर। मतलब कि दो कंपाउंड है यहाँ पे और चार मिक्सर है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर पाथ ऑफ लाइट रे विल बी विजिबल बाय, तो इसका आंसर है हमारा सॉल्टी वाटर, शुगर इन वाटर, मिल्क इन वाटर, लेमन डे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, सॉल्टी वाटर में लाइट पास होते हैं, होते हैं, बट डीम लाइट पास होते हैं, डीम लाइट, डीम लाइट पासेस। ठीक है, सॉल्ट वाटर में हमारे पास डीम लाइट पास होते हैं, शुगर वाटर में भी सेम, डीम लाइट, डीम लाइट। ओके, उसके बाद हमारा मिल्की में लाइटर, ठीक है, उसके बाद लेमनेड में हमारा सबसे हाई लाइट पास होते हैं। ओके, तो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलो फिर हम करते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू आर गिवन थ्री बीकर ए बी एंड सी, वन ऑफ दीज इन सॉल्यूशन, अदर टू आर कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, हाउ, एक्सप्लेन हाउ विल आइडेंटिफाई दिस मिक्सर टाइप यूजिंग टिंडल इफेक्ट। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि टिंडल इफेक्ट ये कैसे है। ठीक है, पहले तो एक बीकर, दो बीकर और तीन बीकर, इसे हमने ए, इसे हमने नाम दिया ए, इसे नाम दिया हमने बी और इसे नाम दिया सी। ठीक है, हमारे फर्स्ट बीकर में क्या है, सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें रियल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे सेकंड बीकर में क्या है, कोलोइडल, मतलब कि ये रियल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे है सस्पेंशन, मतलब कि ये नीचे जो सैड और रेत वाली सॉल्यूशन होती है ना, जो नीचे आके बैठ जाते हैं, वही सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा इनमें से कौन से सॉल्यूशन है, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ यूजिंग टिंडल इफेक्ट। तो इसमें से कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सबसे ज़्यादा टिंडल इफेक्ट शो होंगे, तो इसमें सी सॉल्यूशन है जो सबसे ज़्यादा टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, टी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है बी हमारे पास, सेकंड नंबर पे बी, फर्स्ट नंबर पे सी, सेकंड नंबर पे बी, और जो ए सॉल्यूशन है, जो रियल सॉल्यूशन है, उसमें तो कोई टिंडल इफेक्ट होएगा ही नहीं, नॉट टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फटाफट शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी फटाक से ये वर्कशीट कंप्लीट कर ले और जल्दी से जल्दी 2 सितंबर से पहले पहले इस वर्कशीट को सबमिट करवा दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।